तो दोस्तों, आपने जरूर रेक्सी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, जुरासिक वर्ल्ड 1 का ये खतरनाक डायनासोर और इंडोमिनस रेक्स का सबसे बड़ा राइवल। लेकिन क्या करा जाए, इन दोनों के बीच में मिला दिया जाए इंजन के स्पाइनोसॉरस को, जो JP3 का विलन था। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं क्या होता है जब ये 3 खतरनाक हाइब्रिड डायनासोर आपस में टकरा जाते हैं। क्या इनमें से कौन जीतता? क्या इंजन का स्पाइनोसॉरस अपने पानी में चलने वाली ताकत से जीत पाता, या इंडोमिनस रेक्स की अपने दिमाग से जीत हो जाती, या हमारे प्यारा रेक्सी ही जीतता? तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करा जाए साइज की, तो साइज में तीनों ही बहुत ज्यादा ही बड़े थे। जहाँ पर टीरेक्स 45 से लेकर 50 फुट लंबा और लगभग 20 फुट ऊंचा हुआ करता था हमारा रेक्सी, वहीं पे इंडोमिनस रेक्स 55 से लेकर 60 फुट लंबा हो सकता था। भले से मूवी में 50 फुट लंबा ही दिखाया गया था, उसके साथ उसकी भी ऊंचाई 22 फुट तक हो सकती थी। वहीं इंजन का स्पाइनोसॉरस 25 फुट ऊंचे से लेकर 60 से 70 फुट लंबा हो सकता था, जिसकी वजह से ये पॉइंट जाता है इंजन के स्पाइनोसॉरस को। लेकिन सिर्फ साइज ही नहीं मैटर करती लड़ाई को जीतने के लिए, इसलिए हम बात करने वाले हैं अब स्पीड की। स्पीड में बात करा जाए तो तीनों ही बहुत तेज भागा करते थे। हाँ, तीनों ही इंसानों से तेज हुआ करते थे। जहाँ रेक्सी और स्पाइनो 35-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा करते थे, वहीं हमारा इंडो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा करता था। तो ये पॉइंट जाता है इंडो वाइज आपको। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं बाइट फोर्स की। बाइट फोर्स में इंडोमिनस रेक्स की बाइट फोर्स 4-5 टन और इंजन के स्पाइनोसॉरस की बाइट फोर्स 4-5 टन। लेकिन रेक्स यहाँ पर बाजी मार ही जाता है और 8 टन की बाइट फोर्स के साथ इसके बाद भी एक पॉइंट हो जाते हैं। अब बात करा जा रहा है ड्यूरेबिलिटी की, तो तीनों के पास बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है क्योंकि तीनों ही हाइब्रिड है। यहाँ मैं तीनों में ड्रॉ करता हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल है पता लगाना कि तीनों में से किसके पास ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है। इंटेलिजेंस की बात किया जाए तो यहाँ पर मूवी में दिखाया गया था कि कैसे रेक्सी अकलमंद है। हाँ, रेक्सी थोड़ा सा अकलमंद है, लेकिन देखा जाए तो बहुत अकलमंद नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर गुस्सैल ही होते हैं। वही अपना इंजन का स्पाइनोसॉरस थोड़ा सा अकलमंद है। मूवी में दिखाया गया था कि उसने टीरेक्स की कमजोरी कुछ ही मिनट में भाप ली थी और उसका गला मुड़कर से मार दिया था, लेकिन इंडो भैया का तो इसमें कोई जवाब ही नहीं है। तो ये पॉइंट पूरे तरीके से जाता है इंडो भैया से आपको। इंडो 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 चिल्लाना मन करिए। हाँ, तो इसके बाद बात करा जाए एडवांटेज की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है इंडो को। इंडो कैमोफ्लेज हो सकता था, अकलमंद था, उसके साथ साथ इसके बाद बहुत बड़े क्लॉज थे। लेकिन हमारे स्पाइनो कहाँ पीछे हटने वाले हैं लड़ाई में। स्पाइनो के पास भी पानी के अंदर जाने की क्षमता, बड़ी क्लॉज और लंबे कॉर्निकल दांत हुआ करते थे, से इनके पास भी बहुत अच्छा एडवांटेज था पानी के अंदर जाने का। वही रेक्सी भैया छोटे छोटे हाथों के साथ कुछ खास एडवांटेज नहीं था उनके पास, लेकिन उनका सबसे बड़ा एडवांटेज उनके जबड़े के अंदर जो आ जाता था वो कभी बाहर नहीं जाता था। तो बाय चांस इसमें कभी लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहला अटैक रेक्सी भैया ही करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। और हमारे इंटेलिजेंट भाई साहब, मतलब कि इंडोमिनस रेक्स, इसमें सबसे पहला अटैक नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि इंजन का स्पाइनोसॉरस पहला अटैक कर सके, लेकिन इसके कम ही चांसेस है क्योंकि रेक्सी भैया को अपने ही पड़ी है अपने को महाराज। तो बात करा जाए जब बगल बगल में कोई तालाब होगा तो यहाँ पे स्पाइनोसॉरस की जीतने की चांसेस 30-60% तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो दोनों को ही धकेल धकेल के तालाब के अंदर फेंक सकता है या खींच के ले जा सकता है। और तालाब के अंदर तो हमारे स्पाइनो को कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन जब कोई दूर दूर तक तालाब नहीं हुआ तब तो स्पाइनो भैया को लड़ाई करनी पड़ेगी। रेक्सी तो कैसे कैसे करके रेक्सी तो वो जीत ही सकते हैं, 50-50 है। लेकिन भाई बीच में तो इंडो आ रहा है। हाँ, इंडो से थोड़ा 60-40 हो जाता है, इसलिए इस लड़ाई में मेरे हिसाब से 40% चांस है कि इंडो जीत जाए। उसके अलावा 30% चांस है कि स्पाइनो और हमारे प्यारे रेक्सी जीत जाए। तो आपका इसमें क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।